अच्छे वक्त के लिए तेरे यीशु जो तूने हम सबों की जिंदगी में बख्श दिया, ताकि खुदावा ताकि तेरे कदमों के आगे झुके और तुझे जलाल दें, क्योंकि तू ही जलाल के लायक खुदा है। और खुदावन खुदावा तूने अच्छा मौका फराहम किया हम सबों की जिंदगी में खुदावन, कि तेरी पूजा तेरी हम दोस्तना तेरी स्तायश और तेरी शुक्रगुजारी की जाए खुदावन इस तेरे खानदान के लिए जिसके के वसीला से खुदावन ये मीटिंग मनक़द की गई है। खुदावन इस खानदान के लिए तेरे हुजूर से बरकत और सलामती मांग लेता हूँ खुदावन। खुदावा आने वाले मेहमानों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु नासरी, ये मीटिंग खुदावन भाई से बरकत हो और तेरे जलाल के लिए हो यीशु नासरी। जितने सर तेरे कदमों के कह चुके हैं दो नाम बिना बरकत दे, मीटिंग के बाकी हिस्से में तुम्हारी मदद और बाकी खादम दो चार इज्जत के लायक हैं। पाकिस्तान की रवायत के मुताबिक हम बाकी खादमा को जो दूर दराज से हमारे दरमियान पहुंचे हैं हम वेलकम करेंगे और हार पहनाकर उनको मौका देकर जो हो इस चर्च के अंदर क्लिसिया के अंदर हम दोबारा उनको वेलकम करेंगे। और चर्च कमेटी जितने भी मेम्बरान हैं वो उनसे दरख्वास्त कर वो प्लीज़ ज़रा सामने आ जाइए। चर्च कमेटी जितने भी मेम्बरान हैं बहने हैं भाई हैं उनसे दरख्वास्त कर वो ज़रा सामने आ जाए। उसके बाद चर्च के एल्डर्स साहब उनसे दरख्वास्त कर वो बाकी खादमों को हार पहनाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में आपकी तालियां खुदा के जलाल के लिए चर्च के खजांची साहब वह सब साज उनसे दरख्वास्त करवाए। भाई यूसुफ साहब हो गया है बाकी खादमा बहन रुबीना वहां से दरख्वास्त से करवाए और I'm not afraid to die.
थैंक यू सो मच। अभी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। वही एहसान मंशा है उनसे दरख्वास्त की जाती है कि दुआ में रहने वाले की हुई है और हमारे जिन के अंदर ये मांग बख्शे कि हम सब तेरे हुजूर जमा कर तेरे नाम की इज्जत और चला दे सके। सो खुदा खुदा तेरे शुक्र करते हैं अपने गेस्ट के लिए खुदा जो दूर दराज से तूने उनको हमारे पास भेजा ताकि हम उनके वसीले से तेरी आवाज को सुन सके। खुदा खुदा सो यीशु राजा उनको तो अभी से श्योर मसा कर खुदा तो अपने बबरकत वाला हाथ बढ़ाकर खुदा से श्योर मसा कर खुदा जो कुछ भी वो तेरे जिंदा मुकद्दस पाकलामे से बोले वो ना बोले बल्कि तेरा रूह कुद्दस उनके बीच में खड़ा होकर बोले। खुदा खुदा कदूस खुदा खुदा उन्होंने अपने बच्चों को तेरे सामने लाता हूँ खुदा खुदा वो जो कुछ भी तेरे हुजूर खाए पेश करे खुदा वो सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक हो और खुदा तुझसे अपने हुजूर मंजूर करना। खुदा खुदा इबादत के बाकी प्रोग्राम में खुदा छाया है
शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा। हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं क्योंकि तू यहाँ पे मौजूद है अपने लोगों को बरकत देने के लिए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा पाखरू, तेरी तारीफ करते हैं कि तू अपने लोगों के बीच में है, उनको छूने के लिए, बरकत देने के लिए, उनकी दुआओं को सुनने के लिए, उनकी दुआओं का जवाब वापस लुटाने के लिए तू मौजूद है। इसलिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यकीन है खुदा तू जो देखता है, तू जो बोलता है, तू जो छूता है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम वक्त है कि खुदा तू बोले, तू कलाम करे खुदा। मैं एक जिंदगी को तेरे लहू में छुपाए देती हूँ, चाहती हूँ कि जब तू बोले, तू कलाम करे तो खुदा हमारे दिल, हमारी सोचे, हमारे ख्याल मुकम्मल तौर पर खुदा तेरे कलाम की तरफ हो। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, I would like to explain something about the joy that I find through the Holy Spirit. मैं आप लोगों के साथ खुशी के बारे में बांटना चाहती हूँ जो रूल कुद्दस से मैंने हासिल किया। Yeah. Right. When you hear your mother or father calling, जब आप अपने माँ बाप की आवाज को सुनते हैं, you recognize their voice. और आप उस आवाज को पहचानते हैं और गौर करते हैं. Is that true? क्या ये सच है? Is that true? I can't hear you. मैंने आपको सुना नहीं, क्या ये सच है? Amen. Since Sunil, come here. और जब आपका बाप आपको बुलाता है मिसाल के तौर पे, सुनील को बुलाता है, सुनील इधर आओ, और his mother calls him, Sunil, come here. या इसकी माँ इसे पुकारती है और कहती है सुनील इधर आओ, he immediately recognized the voices of the father and his mother. और ये अपने माँ बाप की आवाज को सुनेगा और उसकी पैरवाई करेगा कि वो मुझे पुकार रहे हैं और मैं उधर जाऊं। A few years ago, in 1998, I had a vision. कुछ साल पहले 1998 में एक इनका मकसद था। A vision can come through a dream or just a vision, although you're not sleeping. और ये जो विजन था, ये एक ख्वाब के थ्रू में, ख्वाब के जरिए में इन्हें मिला था। I'm going to try and explain this vision that the children can also understand. और मैं इसकी वजाहत करूंगी ताकि छोटे बच्चे भी इसको अच्छे से समझ सकें। I was lying on my bed. मैं अपने बेड पे लेटी थी। And my late husband took his daughter to the Sunday school. और जो मेरे महरूम शोहर थे वो अपनी बेटी को संडे स्कूल लेके जाया करते थे। And it was just before I had to leave to go to church. और I had to go to church. अच्छा, ये चर्च, इनके चर्च जाने से पहले की बात है। And in the spirit, God took me off the bed. और उसी लम्हा में खुदावन के रूह ने इन्हें बेड से उठाया। And it was as if I was up in the air. और जैसे कि मैं हवा में हूँ। And I was taken into the church where we always go to attend church services. और जहाँ हम चर्च सर्विस के लिए जाया करते थे, मैं वहाँ पे थी। While in the spirit, taken up in the air, और रूह ने इन्हें वहाँ पे ले गया। I saw the path going down to the front of the church. और मैंने देखा कि रास्ता जो चर्च को जाता है, ये चर्च के सामने है। And I saw my husband, our daughter, and me sitting on the right side of the path. और मैंने देखा कि मेरे महरूम शोहर, उनकी बेटी और मैं उस रास्ते के दाएं तरफ बैठे हैं।
Remember, I am now lying in my bedroom on my bed. जरा इस बात को जरा जरे गौर रखिएगा कि मैं तब अपने बिस्तर पे लेटी थी अपने कमरा में. And this is a vision. और ये एक ख्वाब सा था. So when I saw myself and my husband and the child sitting in the church. और जब मैंने देखा अपने आप को अपने महरूम शौहर को और बच्ची को कि हम लोग चर्च में बैठे हैं. The next minute I look to my left towards the path. और जब मैंने अपने बाई जानब देखा. And I saw a man dressed in pure white. और मैंने एक बुजुर्ग को देखा एक आदमी को देखा जो बिल्कुल सफेद था. From this side, I could not see the face. लेकिन उसे मैंने देखा लेकिन उसका चेहरा मैं देख नहीं पाई. And around here, it had like a golden band. और उसके सर के गिर्द एक चमकता हुआ सोने का बैंड लगा था. And around the waist, also a golden band. और कमर में कमर कस भी था गोल्डन कलर का. It looked as if the feet did not touch. The ground. लेकिन उसके जो पांव थे वो जमीन को नहीं छू रहे थे. And I jumped up from the bench. और मैं बेंच से उछल गई. And I started walking towards the path and following this man. और मैं बेंच से उछली और उसको फॉलो करने लगी या उसके पीछे होली उस आदमी के जो वहां खड़ा था. But I knew that this was the Lord. And it was Jesus. और मैं जानती हूँ वो खुदावंद यीशु मसीह थे. As he was walking to the front, it was like a white mist that was surrounding his whole body. और जब मैं उनके पीछे थी और मुझे नजर आ रहा था कि एक रोशनी या फिर नूर उनके गिर्द था. When he reached about the front of the church. और जब वो चर्च के सामने पहुँचे. The two pastors, the elder pastor and the younger one, were standing in the front of the church. और दो जो पादरी साहबान थे, वो चर्च के सामने खड़े थे. And in the spirit, I heard a voice saying, "Lay your hands on the young pastor, and you will be healed." और मैंने देखा या मेरे आवाज आई कि अपना हाथ उसपे बढ़ा दे छोटे पादरी पे ताकि उसे शफा मिले. And then this white figure disappeared in the mist. और उस वक्त ये रोशनी जो थी वो खत्म हो गई. The next minute, I saw the whole church. Everybody was speaking in tongues. और उस वक्त मैंने देखा कि हर जो चर्च में बैठा शख्स है वो गैर ज़बान में दुआ कर रहा है. And there was no service. It was just the Holy Spirit was touching everyone in the church. और उस वक्त रूल कुद्दस शख्स को वहां छू रहा था जो उस वक्त वो चर्च में मौजूद थे. When I realized, you know, this is just the Holy Spirit that is giving me this vision, the next minute I was taken out of the church. और जब मैंने इसके बारे में सोचा कि खुदावन यीशु मसीह या पाक रूह मुझे क्या सिखा रहा है कि मैं उस चर्च में हूँ. And I was taken up in the air over a rugby field where they play football. और मैं उसी तरह ही जिस तरह फुटबॉल के साथ खेलते हैं मैं उसी तरह ही हवा में उड़ रही थी. When the Spirit takes you out and takes you over to see something, it happens from the top. You look down. और जब रूह कुद्दस आपको लेके जाता है कहीं भी या फिर कोई भी चीज आपको ऊपर से दिखाता है. Now I think you all know what a football field looks like. It's oval, big stadium. और आपको पता है कि जहाँ फुटबॉल खेला जाता है या फुटबॉल का मैदान है वो कितना बड़ा होता है. I mean, how many of you have been to a soccer match or cricket where you see this big stadium? और कितने लोगों ने स्टेडियम को देखा है कितने लोगों ने स्टेडियम को देखा है चाहे टीवी में देखा हो या लाइव देखा हो. Right, so now the Spirit took me up on the one side and I'm looking from the top down. और Amen. उस वक्त रूल कुद्दस मुझे एक साइड पे ले गया और
वो वहां से मैं नीचे देख रही थी. The next minute I saw the same figure that I saw in the church in the middle of the field amongst the players standing there. और उस वक्त जैसा कि मैंने चर्च में देखा था वैसे ही मैं उस स्टेडियम में देख रही हूँ जिस तरह वो खिलाड़ी वहाँ खड़े हैं खिलाड़ियों में देख रही हूँ. Now of course you can just imagine the chaos and the people fighting and screaming, what is this man doing? They're watching the football game. और उस वक्त लड़ाई हो रही थी या लोग लड़ रहे थे कि ये क्या हो रहा है. वो मैच फुटबॉल का मैच देख रहे हैं. Can you just imagine? I mean, here this man dressed in white, he's standing in the middle, and everybody is now angry, and they're throwing tomatoes, and they're throwing fruit, and chasing this man off the field. क्या ये इस बात का आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि एक आदमी खड़ा हो और लोग उस पे टमाटर फेंक रहे हो या गुस्सा कर रहे हो? I mean, can you imagine what chaos? That means people still don't understand a vision or a dream or the Holy Spirit. क्या इस बात का मुशाहिदा कर सकते हैं कि लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो क्या हो रहा है वो माजरा क्या है या रूल कुद्दस उन्हें क्या दिखाना चाहता है. While I was looking down, जब मैंने नीचे देखा, I want you to listen carefully now. और मैं चाहती हूँ कि आप अब बड़े गौर से सुने. That figure, which is Jesus, that was standing there. उस वक्त जो शख्सियत वहाँ मौजूद थी, वो यीशु मसीह थे. I heard this voice. It was so loud. और मैंने उस वक्त बहुत बुलंद आवाज को सुना, जो बहुत बुलंद थी. It was like thunder or lightning coming out of the mouth. और ये बिल्कुल एक गर्ज की तरह थी, जो उस गर्ज उसके मुंह से निकल रही थी. And he said, "Do you know my voice?" और वो कह रहा था कि तुम मेरी आवाज को नहीं सुनते या जानते. Do you know my voice? क्या आप मेरी आवाज को जानते हैं? When Joshua comes to you and he asks you, "Do you know my voice?" जब यीशु मसीह आपके पास आते हैं और पूछते हैं क्या मेरी आवाज को आप जानते हैं? What will you tell him? और आप क्या कहते हैं? What will you tell him? आप क्या कहते हैं? Are you going to say, "I don't know you, Jesus"? क्या आप कहते हैं कि यीशु मसीह मैं नहीं जानता? Or are you going to say, "Yes, I know you"? क्या आप कहते हैं कि हाँ जी मैं आपको जानती हूँ या जानता हूँ? Are you going to fall flat in front of him and say, "Yes, Lord, I know you"? क्या उनके सामने आप सजदा करेंगे और कहते हैं कि हाँ जी खुदावन यीशु मैं आपको जानता हूँ या जानती हूँ? Or are you going to run away? या फिर आप भाग जाएंगे? Now while I heard this voice saying, "Do you know my voice?" और जब मैंने इस आवाज को सुना कि क्या तुम मेरी आवाज को सुनती हो या जानती हो? I saw people falling down from the stadium off their seats, falling to their death. और उस वक्त मैंने जब इस आवाज को सुना और देखा कि स्टेडियम में जितने लोग बैठे हैं वो अपनी कुर्सियों से नीचे हो लिए या नीचे गिर गए. Some were hiding behind others like this. और कुछ तो एक दूसरे के पीछे छुपने लगे. They were so scared. और वो बहुत डर गए थे. Because this voice was like thunder. It was absolutely like the earth is shaking. ये आवाज बिल्कुल एक जलजले की मानत थी. And I'll tell you something today, my dear friends. मैं आपको मेरे अजीजों एक बात बताने वाली हूँ. After the vision, and I also told people in churches in South Africa about my vision. मैंने अपने इस मकसद के बारे में बहुत से चर्चेज में बहुत से गिरजाघरों में साउथ अफ्रीका में भी बताया है. And I'm telling you today, be ready to recognize his voice when he speaks to you. और मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि खुदावन की आवाज की पैरवाई करें और उसे सुने और तवज्जो करें. Because that one pastor,
did not want me to bring the message in his church. क्योंकि एक पादरी साहब नहीं चाहते थे कि मैं इस पैगाम को उनके गिरजाघर में लोगों के साथ बांटूं. I didn't know this pastor was sick. मैं नहीं जानती. I did not know that pastor was sick. और मैं नहीं जानती कि वो पादरी साहब बीमार थे. About 3 years later. और 3 साल बाद में. I heard from a member from that church. और 3 साल बाद में मैंने एक चर्च मेंबर से सुना. That pastor fell on the grass outside. Blood was coming out of his mouth on the grass. एक चर्च के मेंबर ने मुझे बताया कि पादरी साहब घास पे गिर गए चर्च के सामने और उनके मुंह से खून. Cried that day because I knew. और उस वक्त जिस दिन मैंने इस बात को जाना और मैं बहुत गमजदा हुई और रोई भी. That sometimes pride, you know, if somebody is too proud to let somebody else bring a message. और कई बार हमें फखर होता है, बहुत ज्यादा फखर होता है कि कोई दूसरा हमारे लिए पैगाम लेके आए. God removes that person from the pulpit. और खुदावन उसे स्टेज से हटा देते हैं उस शख्स को. Because Jesus teaches us to be humble servants. और खुदावन यीशु मसीह हमें अपनी पैरवी करने का पैरवी करने के बारे में बताते हैं और हलीमी से पैरवी करने के बारे में बताते हैं. Amen. Amen. If this brother is sitting there with the blue shirt. और ब्लू शर्ट में जो भाई बैठे हैं. If you have a dream or a vision. अगर आपको कोई ख्वाब या फिर आपको कोई आप तक कोई पैगाम रसाई होती है. Or a message for the church. कि आपके चर्च के लिए या गिरजाघर के लिए पैगाम है. You have to bring it. I will do. Yes, amen. Hallelujah. Give those men, come on, praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 Because nobody must stop the word of God. कोई भी शख्स खुदावन के कलाम को रोक नहीं सकता. Because visions and dreams opens so many and revealing so many doors for us up to heaven. मकाशवा और ख्वाब हमारे लिए बहुत से दरवाजे हमारे बहुत से दरवाजों को खोल देते हैं जिनसे हमारी रसाई खुदावन तक होती है या आसमान तक होती है. It teaches us how to walk with Jesus. और हमें इस बात के लिए भी सिखाती है कि किस तरह हमने यीशु मसीह के साथ चलना है. Amen. Amen. Do you agree with me? क्या आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? Hallelujah. Hallelujah. Amen. And for the musicians and the singers, it's an apostle. He's got such a beautiful voice, all of them. By the way, they're preaching and singing. और जिस तरह हमारे पास choir है और पादरी साहब हैं, इनके पास बहुत अच्छी आवाज है. ये खुदावन का कलाम दूसरों तक convey कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं गीतों के जरिए से. Each and every one of you that sing and praise his name. और आप में हर कोई खुदावन की तमजीद करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है. All the angels in heaven and the saints, they're rejoicing. और तमाम फरिश्ते जो इस वक्त आसमान पे हैं, वो खुदावन की तमजीद कर रहे हैं. And they are singing with us. I could feel the Holy Spirit when they were singing here with a hallelujah. I could just feel the Spirit coming down into the church. और जब हम choir के साथ मिलके कोर्स को या फिर गीतों को गाते हैं तो फरिश्ते भी हमारे साथ ऊपर गाते हैं और खुदावन का पाक रू हम तक रसाई करता है या हम तक खुदावन का पाक रू आता है. For me it's such a great honor and a blessing and a miracle to be in Pakistan and to be with all of you tonight. मेरे लिए ये बायसे शर्फ की बात है कि और मौजज़े की बात है कि मैं इस वक्त आप लोगों में मौजूद हूँ पाकिस्तान में. Because you all now became my family. और आप अब मेरा खानदान का एक हिस्सा हैं. Because in a family in Yeshua Mashiach. और जब हम खानदान होते हैं मसीह यीशु में. We are all the same. और हम
एक जैसे ही होते हैं. Amen. 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 And when we praise him, और हम उसकी तमजीद करते हैं. And we pray, हम उसकी दुआ करते हैं. We become one, और हम एक हो जाते हैं. In spirit, और रूह कुदस में एक हो जाते हैं. And if you would ask him for gifts of the spirit, और जब आप खुदावन से उसकी बरकत के बारे में पूछते हैं या कहते हैं, he will give it to you, और वो आपको अपनी बरकत से नवाजता है. Because first of all we have to pray for healing of our spirits. और क्योंकि सबसे पहले हम अपने लिए, अपने रूह के लिए, शफा के लिए दुआ करते हैं. Forget about the physical. Forget about the body. इस बात को भूल जाएं कि आपके जिस्म या जिस्मानी कमजोरी या बीमारी के बारे में भूल जाएं. God has used many people in the Bible. और खुदावन ने बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया बाइबल मुकद्दस के लिए. Who have done absolutely great work. और जो के बहुत अच्छे से अपने काम को सरंजाम दे रहे हैं या दे चुके हैं. And all he wants is for us to love him. और अब हमसे ये उम्मीद है कि हम उसके साथ प्यार करें. To trust him. और उसमें मजबूत रहें, उस पे ईमान रखें. And believe that he is Yeshua HaMashiach. और इस बात पे ईमान रखें कि वो खुदावन मसीह यीशु है. And he was crucified for our sins. और हमारे गुनाहों के लिए वो मसलूब हुआ. And he has risen from the grave. और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. And he is coming back. He made the promise. He says, "I'm coming back." और हमारे साथ उसका वादा है कि वो इस दुनिया में वापस आएगा. But he left a wonderful gift for us, which is the Holy Spirit. लेकिन उसने हमारे लिए एक बहुत अच्छा अनाम रखा है, और वो अनाम रूह कुदस है. Amen. Amen. Now I want you to just listen carefully. और अब मैं चाहती हूँ कि आप बड़े गौर से इस बात को सुनें. Even in the wind. और चाहे even in the flowers. चाहे हवा में है या फिर फूलों में है. Flowers. फूलों की खुशबू में है. Even in the smallest butterfly or bird. और चाहे वो छोटे छोटी तितली में है या छोटे किसी भी परिंदे में है. In the biggest elephant. Doesn't matter who or what. और इस बात का कुछ भी नहीं, चाहे वो बड़ा हाथी है या छोटा जानवर है, जो कुछ भी है, इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है. I want you to open your spiritual eyes and spiritual ears and your spiritual mind. और मैं इस वक्त चाहती हूँ कि खुदावंद आपका जो रूहानी आंखों को खोले, रूहानी कानों को खोले और रूहानी ज़हन को खोले. And then you can even hear the angels sing when it rains. और फिर आप इस बात को जानेंगे, खुदावन और खुदावन के फरिश्तों के साथ खुदावन की तमजीद करेंगे जो आसमान पे तमजीद करते हैं. आमीन. आमीन. So I want to leave you with this thought that when you listen to the rain next time. और मैं इस बात पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब भी आप बारिश को देखें या बारिश होती हुई को देखें, listen if you can hear Jesus' voice through the singing of the angels in the raindrops. और उस वक्त खुदावन की आवाज को सुनिए, और खुदावन के साथ जो फरिश्ते खुदावन की हम्द सुना कर रहे हैं उनको सुनिए, उन बारिश की बूंदों से. Amen. Amen. And then I want you all to have the living water that it will cover you and it will bless all of you. और वो बारिश जो है वो आपके लिए खुदावंद की रहमत है, और खुदावंद की रहमत आप पे बरसती है. And now I would like everybody that has got an illness or feel pain or anybody that wants prayer, I want everybody to rise, to stand up. और मैं अभी चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए दुआ करूँ, चाहे कोई बीमार है या कोई भी परेशानी या तकलीफ है, मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ. ये खुदावन का शुक्र है. We give you the honor. खुदावन यीशु मसीह नासरी, आपकी तमजीद हो. That you will bless this church and this the people here. और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप उन पे बरकत के लिए आपके शुक्रिया, और इस गिरजाघर के लिए आपका शुक्रिया.
and that each and every one will recognize your voice. और हर कोई यहाँ आपकी आवाज की पैरवी करे या आपकी आवाज को सुनता है. I ask you Lord to forgive all our sins. खुदावन यीशु नासरी हमारे गुनाहों को माफ फरमाइएगा. And I pray for everybody that is sick tonight here and in the hospital. और मैं इस वक्त जितने भी यहाँ मौजूद हैं उनके लिए बीमारों के लिए दुआ करना चाहती हूँ. खुदावन उन बीमारों को छुइएगा. And that your blood will cover them and your Holy Spirit will cleanse them. खुदावन यीशु नासरी का लहू उन पे हो और खुदावन का पाक रूह उनकी हिफाजत करे. We honor you, Yeshua, because you are the only God and you are sovereign God and you are omnipotent and we love you and we praise you. खुदावन मसीह यीशु नासरी आप हमारे महाफ़िज़ हैं और हम आपसे प्यार करते हैं और आपने हमारी हिफाजत का जिम्मा लिया है ताकि आप हमारी हिफाजत करें. Thank you Lord for these people that have really given me so much love and compassion and friendliness. O khudawand masih yesu nasri is waqt in logon ka bahut shukriya aur khudawand ka. And I ask for wisdom for the elders and the pastors of the church. Aur is church ke liye dua karti hu, elders ke liye, puri church committee ke liye dua karti hu, apne barkat un pe nazil farmaiyega. And that nothing will touch this church that it will be under the blood of Yeshua HaMashiach. Or kuch bhi. Amen. Amen. दुआ करें. असली और अब्दी खुदा जो नहायत मेहरबान है, सच्चा और जिंदा खुदा है, तेरी मेहरबानियों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं. तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने तेरे लिए अपने वक्त को निकाला ताकि तेरा मुकद्दस कलाम सुने, तेरे लिए तैयार हो सकें, तेरी आवाज़ को सुने. और खुदावन तेरी बंदी के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं जिसको तू दूर दराज से लाया ताकि वो तेरे लोगों के साथ अपनी गवाही शेयर करे और हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें. जिस तरह तू हम सबको यहाँ लाया है खुदा, हम इसी तरह सलामती के साथ वापस ले जाना और सारी इंतजामिया के लिए तेरे...
सब सर खुदा के हुजूर झुक जाएंगे और दुआ करेंगे। हाल दुआ मांगेंगे खुदा मन कादरी उतनी जिंदा आसमानी खुदा बा तू जो था जो है जवाने वाला है तेरा नाम मुबारक है और तू ही कुदरत से बड़ा वाह खुदा है। अजीम खुदावंद आज की खूबसूरत रफाकत के लिए खुदावंद तेरे फजल करम के लिए और खुदावंद तेरी सारी बरकत के लिए तेरे जोर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रस्तुति के वसीला से दुआओं के वसीला से तेरी हजूरी के वसीला से और खुदा तेरे खादमों के वसीला से जो बरकत को हासिल किया है ये बरकत हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा कायम रहे। खुदा कादरी मुतलिक जिंदा आसमानी खुदा इससे बढ़कर और तू अपनी खादमा को ले और तू जगह जगह खुदावन पूरी दुनिया के खुदावन अंदर इनको इस्तेमाल कर और खुदावन अपने जलाल के लिए अपनी कुदरत के साथ खुदा को तू इस्तेमाल कर ताकि खुदा बहुत सारी रूहों को तेरे पास लाने का वसीला बन सके। खुदा कादरे मुतलिक खुदा तेरा शफकत और रहमत वाला हाथ हमेशा इसी तरह इनकी तरफ बढ़ा रहे खुदा बाप और जलाल के बारे जो पाकिस्तान के अंदर ये मनसूबा ये बोझ खुदा तेरी खिदमत को लेकर यहाँ पर आई है खुदा तू मुकम्मल तौर पर खुदा बाप इनको तू सरफराज कर और खुदा तू खूब कामयाब कर ताकि खुदावन तेरा नाम जलाल पाए खुदा बाप। इसी तरह खुदा इन तमाम खुदा तेरे लोगों के लिए जो खुदा पाप का अपने आराम को छोड़कर तेरी हजूरी के अंदर आए हैं छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब खुदा मुदम तेरे मजबा पर लाते दे खुदा बाप अपने बच्चों को खुदा बहुत बरकत के साथ नवाज और खुदा कादर मुतली खुदा ये हमेशा तुझ में तेरे कलाम के अंदर मजबूत बन रहकर खुदा जिंदगी को बसर करें और दुश्मन की सारी तस्वीरों पर ये गाली बात तेरे खुदा बाप कादरी मुतली खुदा जबकि तेरे लोगों ने तेरे दुनिया में से तुझे वापस उठाया तुझे हदिया तेरी हजूरी के अंदर मकबूल ठहरे खुदावन और इसकी खुशबू ले और खुदा तू हावल की कुर्बानी की तरह इसको कबूल और मंजूर फरमा और खुदा देने वालों को खुदा तू बहुत बरकत के साथ नवाज और खुदा इसके एवज तेरा आसमान खुल जाए और तेरे लोग किसी चीज के बताज न रहे बल्कि हमेशा बरकत पर बरकत सलामती पर सलामती और खुशहाली पर खुशहाली पाए और खुदा तेरे लोग सरफाज और बढ़ते ही जाएं और खुदा खूब कामयाबी को हासिल करके तेरी शुक्रगुजारी कर सके बकाया सारे वक्त में खुदा तुम्हारा हादी और रहनुमा हो यीशु मसीह के कादर जलाली और पुरफजल नाम से मांगते और सभी कुछ पा लेते हैं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक होना चाहे तेरी बादशाही है तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज रोटी आज दे और जिस अपने कर्जों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर हमें बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरी है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाकरू की रफाकत शाकत हम सबके साथ कुलीमानों के साथ हाजिर जमायत के साथ इस पूरी कलीसिया के साथ चर्च के साथ आए हुए खादमों के साथ मेहमानों के साथ हमेशा हमेशा तक होती है खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुदस का स्वागत करते हैं। अब सबकी सलामती हो खुदा आप सबको बरकत चर्च कमेटी जितने भी मेहमान है वो मेहरबानी से यहाँ पर रहे के साथ कुछ बातचीत करनी है और इसके बाद हफ्ते को आप सब जानते हैं कि एक प्रोग्राम है मुकाबला है बच्चों का तो जाएगा।